नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो करते हो तो जो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है उनके लिंक्स अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट टैग या मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज के माध्यम से। मैं आपको डेफिनेटली अपने प्राइवेट क्लास के लिंक्स दे दूंगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ आज तीन स्टॉक के बारे में, और लकड़ी तीनों स्टॉक्स हमने आपको सजेस्ट किए थे, और 1x तो छोड़ो, कोई कोई स्टॉक्स हमें 10x का रिटर्न भी देके जा रहा है अभी के प्राइस में। और लकड़ी बोल सकते हो कि मोस्टली जो स्टॉक्स है आपको दिख रहे स्क्रीन में, मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उनको समझ नहीं होती कि मार्केट में कैसे करना है, तो ये जो वीडियोज होते हैं उनको हेल्प कर देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो करो, भाई आप अपनी खुद की स्टडी करो, ठीक है, राइट? अगर नहीं स्टडी आती है तो प्राइवेट क्लास होती है अर्जेंट है, उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? बाकी आपकी इच्छा। तो देखो, ये जो स्टॉक है स्टैम्पेड कैपिटल डीबीआर, जिसको स्केप डीबीआर बोला जाता है, 5% की तेजी स्टॉक में आई है। और देखो ये स्टॉक अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपको एक बात बोला ना, पैटर्न देखो, ये होता है पैटर्न। अभी लास्ट 6 महीने से स्टॉक -2% रिटर्न दे रहा है, मतलब एक रेंज बना रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक साल करता हूं ना तो आपको देखेंगे रिजल्ट चौंकाने वाले। प्राइस इसका मात्र 2 रुपये था, 2 रुपये से सीधा कहां गया, 20 रुपये गया। तो ये होता है रेंज, ठीक है, यही होता है रेंज। अगर कोई स्टॉक को दोबारा ऊपर जाना है तो ये रेंज बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या रिस्क लेना चाहिए, देखो, अगर मैं होता हूँ, मैं आपको अपनी खानी बताता हूँ, मैं कभी भी स्टॉक को यहाँ बाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्टॉक को यहाँ पकड़ सकता हूँ, तो मैं क्यों पागलों की तरह उसको यहाँ बाई करूँ 10 रुपये में। हाँ, जिनको स्टॉक को पिक करना नहीं आता, सिलेक्शन करना नहीं आता, दे कैन इन्वेस्ट हेयर, बट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। 7 रुपये का स्टिकी स्टॉप लॉस लगा लेना, राइट, स्टैम्पेड कैपिटल डीबीआर, और ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पैसा बना के हमें दिया है ऐसे नहीं। अगर आपने पैसा कमाया तो नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमने इसको बाय किया था, अच्छा रिटर्न आया है, ठीक है। और 61% की स्टॉक उठाई गई है। अब देखते हैं कि क्या कंपनी पे कुछ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और यह स्टॉक भी काफ़ी अच्छा पैसा से मल्टीप्लाई किया है, और रीज़न आप सभी को पता है मैंने क्यों बताया था आपको कि स्टॉक अच्छा लगता है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा यार, ठीक है। और बार बार वही चीज़ें रिपीट करता हूँ तो लोगों को लगता है क्या बातें करता रहता है। रीज़न आपको दिखाता हूँ, कंपनी के नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहे, ठीक है, अब टेक्निकल ग्लिच हो या कुछ भी हो, तो देखो रीजन जो था मैं आपको अब आपको दिखा देता हूँ। उस समय प्रमोटर्स की होल्डिंग थी ये 0.17, अचानक से 42% हो गई, यही रीजन मेरा मेरा स्टॉक को इन्वेस्ट करने का और आपके साथ शेयर करने का। और देखो दोबारा प्रमोटर्स अब अपने माल बेच रहे हैं, तो माल जब प्रमोटर बेच रहे तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट एग्जिट, भैया प्रमोटर्स के साथ जाओ, ठीक है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो प्रमोटर बोल रहा है वो कर लो। अब प्रमोटर ने माल भरा, मैंने माल भरा और आपके साथ भी शेयर किया। अब प्रमोटर जब माल एग्जिट मार रहा है तो आप भी एग्जिट मारो, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि अभी जो है ये एक फेज चल रहा है, यहाँ पर मोस्टली ये स्टॉक टूट भी सकता है, अगर टूटता है तो वी हैव अ स्टॉप लॉस 7 रुपये का, समझ गए। तो माइंड सेट यही कि हमें SL लगाना है, राइट। अगर SL नहीं लगाओगे तो दोबारा 2 रुपये की औकात क्यों हो सकती है। अब जब 2 रुपये की इसकी औकात हो जाएगी तो फिर आपका पैसा, समझ रहे हो ना, फंस सकता है, इसलिए आपको SL का यूज करना है। तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है, प्रमोटर्स लगातार होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर एक मोमेंटम और आ सकता है, और क्या पता उस मोमेंटम में प्रमोटर अपना माल बेच ना दे। अगर ऐसा होता है ना तो प्लीज आप भी इसको एग्जिट मार देना, मतलब 18 रुपये का स्टॉक जाता है या 15 रुपये जाता है तो आप खलास कर देना स्टॉक को, ठीक है। बाकी जिन्होंने सस्ते में बाय किया है उन्होंने तो आई थिंक अपना कैपिटल इससे कब का विड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया है तो भाई कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया स्केप डीबीआर। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक, जीनस पेपर। भाई इस स्टॉक के बारे में क्या बोलूँ, देख लो आप रिटर्न आप खुद के सामने। अब मैंने इसमें क्या बोला था आप लोगों को, ये स्टॉक 10 रुपये के प्राइस में दिया था, 2022 का सबसे अच्छा स्टॉक मैंने बोला था इसको, और तब से स्टॉक 150% रिटर्न देके जा चुका है। अब ध्यान रखना, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्या करना, देखो यहाँ चार्ट पैटर्न को फॉलो कर लो। ये स्टॉक देखो यहाँ 6 मंथ पे हाई बनाया इसने, अब इसमें एक लोअर सर्किट लगा है तो इसको बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। पैटर्न का मतलब जब तक ये स्टॉक अपने 25 रुपये का हाई नहीं तोड़ता ना, दोबारा स्टॉक में तेजी नहीं आने वाली। ये जो तेजी आ रही है ये एक ट्रैप है, यह एक ट्रैप है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक को बाय मत करना, ये एक ट्रैप है जो मुझे लगता है, ठीक है। जब तक स्टॉक को बाय नहीं करना जब तक कि 26-27 रुपये का हाई नहीं तोड़ देता है। अब आप लोग बोलोगे सर
₹10 में मैं बाय करके बैठा हूँ, खुद 27 में बाय करना जस्टिफिकेशन सही है, जस्टिफाई है मेरे हिसाब से भाई, नहीं है नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो भाई इसमें आप ट्रेडिंग करो अगर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक में आपको सेल ही करना है, ये जो बाउंस आपको दिख रहा है ये पुल बैक सिर्फ सेल ही होगा, बाय नहीं होगा, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप बाय करना चाहते हो तो यू कैन बाय भाई, कौन रोक सकता है आपको, ठीक है। तो जीएस पेपर को मैं आपको प्रॉपर बुकिंग कर लेनी चाहिए भैया, 6 महीने में पैसा डबल हो गया क्या चाहिए। बाकी यहाँ स्टॉक ऊपर जा सकता है और, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपर बुकिंग कर लो, यही मेरा व्यू है अभी इसमें। देखो यहाँ 1,17,600 लोग आज भी आज घर लेके गए, 41% लेवी स्टॉक उठाई गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ओरियन ग्रीन पावर। तो इसके बारे में क्या बोलूँ, ठीक है, ₹5 के आसपास है, ₹3 के आसपास बनाया था वीडियो। रिटर्न देखो यहाँ अच्छा खासा रिटर्न आई, उसके बाद देखो अभी ये रेंज बना रहा है। अभी इस रेंज में क्या करना चाहिए, देखो मैंने बोला ना ये रेंज हो सकती है कि आपको फंसाया जाए, और मोस्टली यहाँ फंसाया जाता है, इस रेंज में फंसाया जाता है, क्योंकि देखो ना ये हाई जो है ना, हाई ये तोड़ नहीं पाया, जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा आई कांट से एनीथिंग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, जब यहाँ ट्रेड कर रहा था कितना रुपया प्राइस था, ₹20, ये स्टॉक को आपको सेल कर देना चाहिए, ₹20 के प्राइस में बोला था, ठीक है। और देखो कहाँ आ चुका है, अगर आप स्टॉक को दोबारा बाय कर रहे हो, आई नो यूट्यूब में बहुत सारे लोग ना आपको बोल रहे हैं बाय करो बाय करो, ठीक है। मुझे तो कोई सेंस नजर नहीं आता बाय करने का भाई, ठीक है। मेरा जो सेंस था वो ₹1 ₹2 के भाव में था, ₹3 के भाव में मुझे समझ आता था कि हाँ ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन अभी के भाव में ₹11 के भाव में मैं बाय करूंगा, पागल पागल हूँ क्या मैं, ना भाई कभी ना करूँ। हाँ अगर मैंने कर लिया है, आप लोगों ने अगर कर लिया है, तो आपको ₹10 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ₹10 के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा ना एक रेड कैंडल, आंखें बंद करके उल्टे पैर दौड़ जाना। तो ये मेरा व्यू है ओरियन ग्रीन पावर में, बाकी आपकी इच्छा आप खुद की एनालिसिस कर लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ओरियन ग्रीन पावर में अगर बात करते वॉल्यूम की, तो देखो वॉल्यूम 17,06,000 में ट्रेड के जाते हैं, ऑलमोस्ट 8,850,000 लोग घर लेके गए, 49% स्टॉक उठाई गई है। तो लोग तो भाई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा सकता है, आई कांट से एनीथिंग भाई, ठीक है। मैं नहीं कह सकता कुछ क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर है, बाकी अगर आपको लगता है सस्ता है यू कैन बाय यार, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों स्टॉक का व्यू बता दिया है, तीनों स्टॉक में मेरा व्यू वही है। ओरियन पे तो भैया मेरा बाउंस में सेल मारो, ठीक है। जीनस पावर में भैया बाउंस में सेल मारो, स्केप डी पे भैया बाउंस में सेल मारो, समझ गया, तीनों स्टॉक पे बाउंस ऑन सेल है, ठीक है। जो भी बाउंस आएगा सेल होगा वो, बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं अगली क्लास में।